Hello viewers, let's get updated with today's current affairs. 6 times world champion reh chuki India ki women boxer MC Mary Kom ko best female athlete award mila hai Asia mein. Indian documentary film I Am Jija, jisko ki direct kiya hai Swati Chakrabarti ne, isko top award mila hai Week Year Film Festival on disability issues mein. Ye jo film hai, iski category thi under 30 minutes aur ye film बनाई गई है डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट जीजा घोष के ऊपर हुए सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पेल्सी. इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर एस धामी फर्स्ट ऐसी फीमेल ऑफिसर बनी है जो कि फ्लाइट कमांडर बन पाई है किसी फ्लाइंग यूनिट की. यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल एजुकेशन शगुन पोर्टल को लॉन्च किया न्यू दिल्ली में. इंडिया बैग्स 4 मेडल्स, 1 gold, 1 silver and 2 bronze in World Skills Kazan Competition 2019 in Russia. इसमें जो 1 gold medal है वो किसने जीता है? S. अवस्था नारायण ने water technology में, और जो एक silver medal है वो जीता है प्रणव न्यूटलापट्टी ने web technologies में. India appointed Pawan Kapoor as its next ambassador to United Arab Emirates. इससे पहले जो ये पोस्ट है यानी कि एम्बेसडर टू यूएई, ये कौन है? अभी नवदीप सिंह पुरी संभाल रहे थे, जो नेक्स्ट बनेंगे दैट इज पवन कपूर. गवर्नमेंट स्लैश द प्राइस ऑफ सैनिटरी नैपकिन सोल्ड फ्रॉम जन औषधि केंद्रास टू 1 rupee पर पीस फ्रॉम 2.5 rupees अर्लियर, अनाउंस्ड बाय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़ा. यानी कि डीवी सदानंद गौड़ा ने सैनिटरी नैपकिन जो कि जन औषधि केंद्रास में सेल किए जाते हैं उनका प्राइस स्लैश किया है 1 rupee पे कर दिया है. पहले ये नैपकिन 2.5 rupees में मिलते थे. जो ये नैपकिन हैं ये जन औषधि सुविधा ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन के नाम से अवेलेबल हैं जन औषधि केंद्रास में, और इनको लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर. इसकी कीमत में अब स्लैश किए गए हैं, इसकी प्राइसेस स्लैश किए गए हैं 1 rupee पर पीस, ताकि जो वुमेन हाइजीन है वो मेंटेन रह सके. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.